नमस्कार, एक सूचना दे दें, जो बिहार पुलिस का 2 साल का एज लिक्सेशन दिया है कोर्ट और उन्होंने मान लिया है, यह जान लीजिए आपको 300 उन्होंने 1 नवंबर को डेट दिया है अगला, लेकिन उससे पहले आपका फॉर्म भरवा लिया जाएगा। आज लड़के आयोग में गए थे, आयोग में सेक्रेटरी से मिले, सेक्रेटरी को कल सुनवाई की सारी बात कही। सेक्रेटरी महोदय ने लड़कों को आश्वस्त किया कि हमको वकील के माध्यम से जानकारी मिली है कि 2 साल का एज का लिक्सेशन का हमें मौखिक आदेश दिया गया है। लिखित आदेश आ जाता है तो उसको हम एज लिक्सेशन देंगे। लड़के, जो 2 साल का एज लिक्सेशन आपको मिला है, आप हम पर विश्वास करते हैं तब पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। अभी कोई भी डेट बिहार पुलिस का निर्धारित नहीं की गई है। बिहार पुलिस का कोई भी डेट निर्धारित किया जाएगा तो 15 दिसंबर के बाद किया जाएगा। आप निश्चिंत रहे, आपका एज मिला। जो लड़के आपके केस लड़ रहे थे, अजय जी हैं, उनको हम पिछला वीडियो में उनका नंबर हम दिए थे कि दरोगा के लिए भी आप लोग केस कीजिए, आपका एज रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और उन्होंने अभी जस्ट हमसे बातचीत किया, आज कोर्ट की गतिविधि को उन्होंने बताया, दिन हुआ उसे खुद हम बात किए। और इसके बाद लड़के गए थे बिहार पुलिस आयोग के सचिव के पास, सचिव ने कहा कुछ व्यस्तता है, हम समझ लेते हैं, फिर आपका हम फॉर्म भरवा लेंगे। निश्चित रूप से आपका फॉर्म भरवाया जाएगा, क्योंकि 1 नवंबर से पहले आपका फॉर्म भरवा दिया जाएगा। यानी बोले हैं कि 2 सप्ताह के बाद हम, चाहे 1 सप्ताह के बाद नोटिस निकालेंगे, आपसे फॉर्म भरवा लिया जाएगा। बिहार पुलिस के लिए लड़के निश्चिंत रहे, आपका एज मिला है, आप इफ और बट में नहीं रहें, क्योंकि कोई भी वीडियो नहीं बनाता है बिहार पुलिस पर, लेकिन हम शुरू से ही कह रहे हैं बिहार पुलिस में एज मिल गया। कल जो बहस हुई थी, उस बहस का 2 साल के एज कैलिक्सेशन की मांग की गई थी, वह एज मिला है। आपको 2 सप्ताह के बाद फॉर्म भरवा लिया जाएगा, 2 सप्ताह के 1 नवंबर से पहले। और परीक्षा का डेट अभी निर्धारित नहीं हुआ, परीक्षा का डेट 15 दिसंबर से बाद ही होगा। कोई नई अपडेट अन पर आती है तो फिर डालेंगे, पढ़ते रहिए। बिहार पुलिस का एज मिला है, कोर्ट आप किसी से पता लगाइए, और उसका जो बहस हुआ वकील ने क्या स्वीकार किया, आप निश्चिंत रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।